नमस्ते गाइस, जैन कैसा आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग। ये वाली जो बुक है ये नोरा नाम की एक लड़की की कहानी है। एंड नोरा जो है सुसाइड कमिट करने वाली है एंड उसने डिसाइड कर लिया है कि रात को 12 बजे वो सुसाइड करेगी। तो सुसाइड करने से पहले वो क्या क्या चीज़ें करती है, कुछ अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेजती है, कुछ अपने भाई को मैसेज भेजती है, उसकी मदर नहीं है तो अपने फादर को मैसेज भेजती है एंड और भी जो कुछ छोटे मोटे काम थे वो करने की कोशिश करती है। रात को 12 बजे वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खाती है जिससे उसको पता होता है कि अब मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी। इस बीच में होता क्या है कि वो जब अनकॉन्शियस होती है तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है। वो एक दूसरी ही दुनिया में चली जाती है जहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है। वो देखते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं एंड वो उस लाइब्रेरी में जैसे ही घुसती है वो लाइब्रेरी में खो जाती है। एंड वहाँ पे जो है जो उसकी स्कूल टाइम पे लाइब्रेरियन थी जिसने एक टाइम पे उसको बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया था जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी, वो उसको मिलती है एंड वो उसको कहती है कि वेलकम नोरा एंड वो उसको दिखाती है अलग अलग बुक्स। अब वो जो अलग अलग बुक्स होती है उसमें एक होती है बुक ऑफ रिग्रेट्स जिसमें नोरा की लाइफ की सारी रिग्रेट्स लिखी हुई होती हैं। लाइब्रेरियन होते हैं वो पूछते हैं तुमने सुसाइड क्यों करा, तो नोरा कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वो अपनी लाइफ की सारी जो आप बीती है वो सब उसको बताती है। बुक ऑफ रिग्रेट्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके बाद जो लाइब्रेरियन होती है वो पूछती है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में कर सकती थी। तो वो एक एक करके अलग अलग चीज़ें बताना स्टार्ट करती है। जैसे पहला था कि उसकी एक फ्रेंड थी जो उसको ऑस्ट्रेलिया बुला रही थी कि तुम यूके से जो है ऑस्ट्रेलिया रहने आ जाओ। तो वो उसको एक बुक दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर उसने ये फैसला किया होता तो क्या होता, तो उसकी लाइफ में क्या होता। वो जब वो बुक पढ़ते तो उसको पता लगता है कि उसकी लाइफ, अगर वो उस लाइफ को सुनते अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाती तो कुछ टाइम के बाद ही उसकी जो फ्रेंड है जो उसको ऑस्ट्रेलिया बुला रही थी उसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में एंड वो जो है एक अलग तरीके का उसका करियर होता है, एक अलग तरीके की लाइफ होती। मतलब उस लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती, कुछ बुरी चीज़ें होती। फिर वो उस बुक को बंद करती है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं स्विमिंग करूं, तो वो स्विमिंग वाली बुक को एक खोलती है। ऐसे करते 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 उसके भाई की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी एक बुक खोलती है, उसके अलावा जो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उसकी एक बुक खोलती है। अलग अलग बुक्स खोल के ना उसको पता लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए कोई ना कोई प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट ज़रूर होता। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है जिसमें एक में वो एक गरीब औरत बनी है, एक में वो बहुत अमीर बनी है, एक में वो एक सेलिब्रिटी बनी है, एक में वो सीईओ बनती है, एक में वो एक एथलीट बनती है, एक में वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है। ये सारी अलग अलग तरीके की बुक्स वो पढ़ती है एंड उसको एट दी एंड ये पता लगता है कि लाइफ में कुछ भी चुनूँ उसमें कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स रहेंगे ही, कोई ना कोई अच्छाई और कमियां रहेंगी ही। ये बुक पढ़ने से पहले ना मैं बहुत स्केप्टिकल था। बहुत टाइम तक ये बुक मेरे लाइब्रेरी में रही, ऑडिबल मेंबरशिप के साथ फ्री आई थी एंड मुझे था कि यार थोड़ी सी बोरिंग होगी या कुछ है एंड प्लस जो राइटर है वो जार्गन्स वगैरह यूज़ ना करें एंड वॉट एवर, बिकॉज जो बाहर के राइटर्स होते हैं उनके साथ एक ये चीज़ होती है कि जार्गन्स कभी कभी वो यूज़ करते हैं। बट जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ता गया मेरे को ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग लगी एंड प्लस इस बुक में ना हम सब के लिए एक लेसन है एंड वो लेसन ये है कि हम लोग ना अपनी लाइफ में बहुत क्रेविंग करते हैं कि हमारी लाइफ में ये कमी है, ये कमी अगर ठीक हो जाए तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कहेगा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये भी कर लेता। किसी की हेल्थ, किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो कहेगा मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं ये सब कर लूँगा। किसी को मान लीजिए ओलंपिक्स में जाने हैं, किसी को सीईओ बनना है, किसी को बिजनेस खोलना है, वो सोचेगा कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो वैसा हो जाएगा। बट इस बुक में ये आपको सीखने को मिलेगा कि आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लो आपको प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स हर लाइफ में रहेंगे। इसमें नोरा को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि मैं लाइफ में जो भी डिसीजंस लेती, मैं जिस तरीके की भी लाइफ करती उसमें कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते ही। किसी में मेरा रिलेशन अपने फादर के साथ सही होता, किसी में गलत होता, किसी में भाई के साथ सही होता, किसी में भाई के साथ नहीं होता। एट दी एंड जो है इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद उसको एक बुक मिलती है जिसमें उसको पता होता है कि हाँ मेरे को ऐसी लाइफ जीनी है एंड वो उस लाइफ को जीने के लिए अपनी लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करती है एंड फिर वो लाइब्रेरियन उसको उस लाइब्रेरी से कैसे बाहर निकालती है वो कहानी है मिडनाइट लाइब्रेरी की। बहुत ही फैसिनेटिंग बुक है एंड आई मस्ट से मैट हेग की ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी एंड आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई इट। एंड लाइफ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़, ये कमी पूरी हो जाए तो हमारी लाइफ सही हो जाएगी, नहीं, तो हो सकता है कोई और कमी हो जाए। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी या मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी मेरी लाइफ में, हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक हो जाए तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए या आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो आपका मनी मैटर्स खराब हो जाए या मनी मैटर्स ठीक हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो आपको लाइफ में हर तरीके की सिचुएशन से एडजस्ट करना सीखना होगा। प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स हर किसी को दिए भगवान ने एंड
आप अपने लिए कोई भी लाइफ चुनो, उसमें कुछ अच्छा होगा एंड कुछ बुरा होगा आपके साथ। मेरी तरफ से इस बुक को 4.8 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। अभी तो ऑडिबल मेंबरशिप में ये बुक फ्री में आपको मिल रही है, तो अगर आपके पास ऑडिबल मेंबरशिप है तो आप प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।